Hello everyone. In SST, we had started chapter number 5 in the last period. This is the chapter about girls and boys, women and men. And we had learned about what are the differences between girls and boys. And now we are going to start the topic celebrating and enjoying differences. Living in the world is a lot of fun because we are all so different. We are living in this world. We are different in some things by birth. For example, two friends have different looks. We are also different because of our choices. For example, you like to play football, but your friends like to play volleyball. See, in this world, ये दुनिया में हम सब लोग एक दूसरे से अलग है. हम सब में कुछ ना कुछ अलग अलग है. जैसे कि हमें फुटबॉल खेलना पसंद होता है, पर हमारे फ्रेंड को वॉलीबॉल पसंद होता है. और हम सबके जो लुक्स है, जो जैसे हम दिखते हैं, वो भी अलग अलग होता है. डू डिफरेंसेस मेक अस यूनिक? क्या ये जो डिफरेंसेस है उससे हम यूनिक यानी कि क्या खास बनाते हैं? सो नाउ वी विल सी द डिफरेंसेस. लेट्स फाइंड आउट डिफरेंसेस. Looks. We look different from each other. We have different features, height, weight, and hairstyles. The world is beautiful because there are different types of living beings with different looks. हम एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं. मतलब हम सब में अलग अलग फीचर्स है, सबकी हाइट अलग अलग है, सबके वेट अलग अलग है, सबकी हेयर स्टाइल अलग अलग होती है. सो ये जो दुनिया है उसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, जो सबके लुक्स यानी कि लुक मतलब दिखने में सब लोग अलग अलग दिखते हैं. सेकेंड थिंग दैट इज लैंग्वेज. वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस. योर फ्रेंड मे बी स्पीकिंग इंग्लिश एट होम एंड यू मे बी स्पीकिंग हिंदी. इन दिस वे फ्रेंड्स लर्न फ्रॉम ईच अदर. From differences, we get opportunities to learn. हम सब लोग भी अलग अलग भाषा बोलते हैं. ये हो सकता है कि आपका जो दोस्त है वो घर पे इंग्लिश में बात करता हो और आप हिंदी में बात करते हैं. तो उसी तरह आप और आपका फ्रेंड दोनों एक दूसरे से अलग अलग लैंग्वेज सीख सकते हैं. और इसी डिफरेंसेस की वजह से हमें हर बार नई नई चीज़ें जानने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, मतलब कि चांस मिलता है. देन फूड. द फूड और डिशेज दैट वी ईट हैव डिफरेंट टेस्ट. इट इज सो नाइस टू चूज फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ डिशेज व्हेन वी गो टू अ होटल. वी एक्सचेंज रेसिपीज टू ब्रिंग वेराइटी इन आवर किचन. इन इट इज बिकॉज वी सेलिब्रेट differences that we cook different dishes like parathas, momos, chicken and noodles and enjoy them so much. We don't like to eat the same dish every day. सब लोगों का अपने हिसाब से अलग अलग खाने का अंदाज भी रहता है. सब लोगों का फूड अलग अलग रहता है. जब भी हम कहीं होटल में जाते हैं तो हमें बहुत सारी वैरायटीज़ का लिस्ट मिलता है कि जिसमें से हम जो भी खाना चाहे वो खा सकते हैं. और हम लोग अलग अलग चीज़ें भी हमें जो भी उसमें से ऑर्डर करना है वो हम सारी चीज़ें उसमें मिल जाती है. बिकॉज देर आर सो मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिशेज इन द मेनू. और हम वी सेलिब्रेट डिफरेंसेस. हम ये जो डिफरेंसेस है वो सेलिब्रेट करते हैं. कैसे करते हैं? दैट वी कुक डिफरेंट डिशेस लाइक पराठास, मोमोज, चिकन, नूडल्स,
सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड एंड दैट वी एंजॉय अ लॉट। क्या कभी आपने सोचा है कि हर रोज एक ही तरह का खाना आप खा सकते हो? हर रोज आपको सिर्फ पराठे सब्जी खाने को बोलेंगे तो क्या वो आपको अच्छा लगेगा? नहीं, बिकॉज वी वुड लाइक टू सी द डिफरेंस, सी द चेंज इन आर लाइफ। हमें चेंज अच्छा लगता है, सो हम हर रोज अलग अलग डिशेस खाना प्रिफर करते हैं। नाउ ड्रेसेस, वी लाइक टू ड्रेस डिफरेंटली नॉट बिकॉज ऑफ एनी रूल। वी ड्रेस डिफरेंटली बिकॉज वी हैव डिफरेंट चॉइसेस। फॉर एग्जाम्पल, इन इंडिया फिरन, अ ड्रेस ऑफ कश्मीर, इज वॉर्न बॉर्न बाय मैन एंड वुमेन देयर। दिस इज बिकॉज दे चूज टू वेयर इट इज एज इट प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम कोल्ड। हर एक लोगों के जो पहनावा होता है, जो वो ड्रेस पहनते, वो भी सबके अलग अलग होते हैं। एंड वी ड्रेस डिफरेंटली बिकॉज वी हैव डिफरेंट चॉइस। हमारी सबकी चॉइस अलग अलग होती है, तो वो सब लोग अपना अलग अलग पहनावा पहनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन इंडिया फिरन अ ड्रेस ऑफ कश्मीर, ये जो कश्मीर का ड्रेस है जिसे वो बोलते हैं फिरन, तो वो वहाँ के सारे मैन एंड वीमेन पहनते हैं। और वो इस टाइप का पहनावा क्यों पहनते हैं? क्योंकि वहाँ पर बहुत ठंड होती है, तो ऐसी ठंडी से बचने के लिए ये लोग ये फिरन जो ड्रेस है वो पहनते हैं। नाउ गेम्स एंड हॉबीज, बॉयज एंड गर्ल्स लाइक टू प्ले गेम्स। गेम्स एंड हॉबीज दैट वी हैव आर ऑल्सो चॉइसेस। गर्ल्स कैन प्ले गेम्स लाइक कबड्डी, रेसलिंग और क्रिकेट। सिमिलरली बॉयज कैन डू स्किपिंग एंड प्ले हॉपस्कॉच। इट इज जस्ट अ चॉइस दैट वी मेक। अब अगर कोई भी गेम खेलना हो या किसी भी कोई भी हॉबी हो, तो अब ऐसा नहीं रहा है कि ये गेम है वो सिर्फ बॉयज ही खेल सकते हैं, जैसे कि रेसलिंग है, क्रिकेट है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ वो बॉयज ही खेल सकते हैं। आजकल वो रेसलिंग, क्रिकेट जैसे गेम्स भी लड़कियां खेलती है। तो इट इज जस्ट अ चॉइस दैट वी मेक। हम जो सिलेक्ट करते हैं उसके हिसाब से हम वो गेम खेल सकते हैं। नाउ ऑन द नेक्स्ट पेज, हियर फिल इन द ब्लैंक्स। लिविंग इन दिस वर्ल्ड इज अ लॉट ऑफ फन बिकॉज वी आर ऑल, वॉट विल बी द आंसर? द आंसर इज डिफरेंट। नेक्स्ट वन, फ्रॉम डैश वी गेट अपॉर्चुनिटीज टू लर्न, वॉट विल बी द आंसर? हियर वी विल राइट डिफरेंसेस। देन थर्ड वन, द डैश और डैश दैट वी ईट हैव डिफरेंट टेस्ट, सो द आंसर इज फूड और डिशेस। वी ड्रेस डिफरेंटली बिकॉज वी हैव डिफरेंट चॉइसेस। गेम्स एंड डैश दैट वी आर ऑल्सो चॉइसेस। सो गेम्स एंड वॉट वी हैड रेड हॉबीज।
सो दीज आर द ब्लैंक दैट यू हैव टू राइट इन योर टेक्स्ट बुक ओनली. नाउ एंजॉइंग इक्वालिटी, इक्वालिटी यानी कि समानता. टाइम्स हैव चेंज, गर्ल्स एंड बॉयज आर इक्वल, दे हैव द फ्रीडम टू मेक द चॉइसेस दे लाइक. गर्ल्स कैन चूज टू बिकम रेसलर्स एंड बॉयज कैन चूज टू बिकम शेफ्स. When we choose what we like to do, we are happy. If we do what we don't like, we remain angry and sad. See, now this is the time that girls or boys, whatever they want to do, they can choose. Now girls are become wrestler also, and boys are also become chefs. What is the meaning of chefs? Chefs means जो खाना बनाते हैं उसे बोलते हैं chef. तो अभी boys खाना भी बना सकते हैं और जो girls होती है वो wrestling तक कर सकती है, wrestler भी बन सकती है. So we choose what we like to do. हम जो भी करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं, इसीलिए हम happy हैं. अगर हम ऐसा नहीं कर पाते तो हमेशा हम एंग्री और सैड रहते हैं, यानी कि उदास रहते हैं. लेट्स लर्न टू मेक आवर चॉइसेस विदाउट एनी फियर. गर्ल्स एंड बॉयज कैन चूज टू डू एनी वर्क और एंटर एनी प्रोफेशन ऑफ देयर चॉइस. बॉयज कैन चूज पिंक पिंक ओवर ब्लू. ऑल कलर्स आर फॉर एवरीवन. अब बॉयज और गर्ल्स में कोई डिफरेंस नहीं रहा है, वो उनको जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं. बॉयज अभी पिंक कलर भी सिलेक्ट करते हैं. यूजुअली हम मानते हैं कि बॉयज के लिए ब्लू कलर पसंद करते हैं, पर ऐसा नहीं होता है. अब बॉयज पिंक भी पसंद करते हैं. सारे कलर्स दोनों के लिए सही है. बॉयज कैन क्राई. इट इज ऑल्सो गुड फॉर हेल्थ टू क्राई समटाइम्स. We get rid of anger, sadness and frustration ever after crying. Boys भी अभी रो सकते हैं, मतलब कि रोना वो सेहत के लिए अच्छा होता है. कभी कभार रोने से हमारे अंदर का जो गुस्सा होता है, जो उदासी होती है, वो निकल जाती है ताकि हम हल्का महसूस कर सके. Girls can learn to ride horses or fly an aircraft If they like. अभी गर्ल्स घुड़सवारी भी कर सकती है और एयरक्राफ्ट भी उड़ा सकती है. बॉयज कैन कुक और स्वीप द फ्लोर. वी ऑल लाइक क्लीनलीनेस. अभी बॉयज जो है वो कुक कर सकते हैं, यानी कि खाना भी बना सकते हैं, और स्वीप द फ्लोर मतलब झाड़ू पोछा भी करते हैं. बिकॉज वी ऑल लाइक क्लीनलीनेस, हमें सबको स्वच्छता पसंद है. गर्ल्स कैन शाउट इफ दे आर एक्साइटेड और एक्सप्लेन व्हेन दे आर नॉट हैप्पी. अभी गर्ल्स भी चिल्ला सकती है एंड कंप्लेन भी कर सकती है अगर वो खुश नहीं है तो. लेट्स ऑल बी स्मार्ट एंड लाइव बाय आवर चॉइसेस. लेट्स बी काइंड एंड लव पीपल फॉर बीइंग डिफरेंट. Let's share responsibilities because we are good at different things. Sharing responsibilities bring peace and love in our lives. Allowing others to live respecting what they choose and all fights. Independence is the key to progress. मतलब अभी दिस इज द टाइम दैट बॉयज एंड गर्ल्स बोथ आर सेम. दे कैन डू वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू. सो दीज आर द चॉइस दैट गिव्स अस हैप्पीनेस एंड इंडिपेंडेंस इज द की टू प्रोग्रेस. सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स एंड नाउ दे बोथ आर सेम. So after explaining this chapter, you have to read this chapter by yourself from the book and
ट्राई टू अंडरस्टैंड, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी आफ्टरवर्ड्स. थैंक यू.